तो जय दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइज, रिसेंटली आप में से कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैं आपके लिए एक ऐसा टूल लेके आऊँ जो यहाँ पे फ्री हो और बहुत ही इफेक्टिव हो, जो आपके डिवाइस में जितने भी वायरस हैं, मैलवेयर हैं, इन्फेक्शन है, उनको यहाँ पे क्लीन करे और ये बाद में रन भी ना करे आपके बैकग्राउंड में, ताकि जो आपका परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे डाउन ना हो। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा यहाँ पे फ्री टूल लेके आ रहा हूँ गाइज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी वायरस है आपके डिवाइस में, अगर आपको लगता है कि आपका डिवाइस यहाँ पे हैक हो रखा है, तो इस टूल को यहाँ पे आप ज़रूर रन कराइए। जितने भी यहाँ पे इन्फेक्शन होंगे, मेलिशियस टूल होंगे जो आपके बैकग्राउंड में रन हो रहे होंगे, इन सब को यहाँ पे ये स्टॉप करेगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में रेडिट की इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ट्रॉन स्क्रिप्ट, जो बेसिकली काइंड ऑफ अ बैच फाइल है जो बनाया गया है कुछ डेवलपर के जरिए से। और इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है हर तरह के इफेक्टिव टूल को, ताकि आप वन क्लिक में हर तरह की प्रॉब्लम को यहाँ पे फिक्स कर सकें। तो यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे डाउनलोड वाला सेक्शन, और यहाँ पे मिरर के बगल में आपको मिलेगा HTTPS, और इसके नीचे जो यहाँ पे लिंक मिल रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और फिर इस तरह के यहाँ पे एक फाइल आएगा, पेज आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है tron12.exe, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और ये गाइस यहाँ पे अराउंड 524 MB की फाइल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आपको वेट करना है। तो यहाँ पे आप वेट करिए जब तक कि डाउनलोड ना हो जाए। मीनवाइल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सिक्योरिटी को डिसेबल करिए, ताकि कोई भी फाइल हमारी यहाँ पे ब्लॉक ना हो। तो अपने विंडोज सर्च पे यहाँ पे आप क्लिक करिए और टाइप करिए वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। अब ये आप यहाँ पे विंडोज 11, विंडोज 10 दोनों में इसको आप यहाँ पे रन करा सकते हैं, ठीक है। तो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में आपको मैनेज सेटिंग पे क्लिक करना है, रियल टाइम प्रोटेक्शन को डिसेबल करना है, फिर नीचे आने पे ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन और टैम्पर प्रोटेक्शन, इन सब को यहाँ पे आप डिसेबल कर दीजिए। और परेशान नहीं होना है आपको, क्योंकि हम यहाँ पे टूल को रन करने के बाद दोबारा से इसको यहाँ पे इनेबल करेंगे। तो जैसे ही गाइस यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो जाती है, तो आपको राइट क्लिक करना है ट्रॉन फाइल पे, रन एज एडमिन कराना है। और एडमिन पे रन कराने के बाद एक ब्लैक विंडो आएगी कमांड प्रॉम्प्ट की, ऑटोमेटिकली रन करेगी कुछ टूल को यहाँ पे, तो आप वेट करना। और जैसे यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है, तो आपके पास यहाँ पे दो फाइल देखने को मिलेंगी, इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन और ट्रॉन के नाम से। तो यहाँ पे ट्रॉन वाले फोल्डर पे आपको डबल क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आपको कुछ और फाइल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा रिसोर्सेज नाम का फोल्डर, तो अगर आप इसको यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको सारे फोल्डर देखने को मिलेंगे जो आपके यहाँ पे रन होंगे, ठीक है। तो अगर आप मैनुअली चाहते हैं इन्हीं में से कुछ ही टूल को यहाँ पे रन कराना, तो वो भी आप यहाँ पे करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सारे टूल को यहाँ पे रन कराना, तो आप बैक जाइए और जो ये ट्रॉन नाम का जो बैच फाइल मिल रहा है आपको, बस इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिन करा दीजिए, और ये सारे टूल को यहाँ पे रन करेगा, हर एक चीज़ को यहाँ पे किल करेगा जो आपके बैकग्राउंड में रन हो रही हैं, सारे वायरस और मैलवेयर इन्फेक्शन को यहाँ पे क्लीन करेगा। तो अगर आप इसको रन कराना चाहें तो करा सकते हैं, अगर नहीं तो आप यहाँ पे बैक जाइए रिसोर्सेज फोल्डर में, और रिसोर्सेज में देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेज जीरो प्रेप से। तो अगर इसको हम यहाँ पे ओपन करें, तो देखिए इसमें आपको दिखाएगा कि बेसिकली ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रन करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिलेगा आर्किल नाम का एक फोल्डर। तो आर्किल बेसिकली क्या करता है कि अगर आपका जो डिवाइस है हैक हो रखा है, किसी तरह की मैलिशियस फाइल आपके बैकग्राउंड में रन हो रही है, तो ये यहाँ पे उन सारी फाइल को यहाँ पे स्टॉप करेगा, किल करेगा, ताकि उनके पास किसी भी तरह का एक्सेस ना हो। इसी तरह से यहाँ पे कैफेन है, मैकेफे का स्टिंगर है, बहुत सारे अदर टूल हैं जिनको आपको यहाँ पे रन कराना है। अब इनको रन कराने के लिए बहुत आसान है, हर एक फोल्डर में आपको यहाँ पे एक बैच फाइल अगेन मिलेगी, तो इस बैच फाइल पे आप राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिन कराइए, यस पे क्लिक करिए, और ये देखिए यहाँ पे ब्लैक विंडो आएगा और यहाँ पे काम करना ये आपका स्टार्ट कर देगा। तो बस हर एक फोल्डर को अगर आप रन कराना चाहते हैं, तो हर एक फोल्डर को ओपन करिए, उसमें जो बैच फाइल है उसको यहाँ पे आप रन कराइए और वेट करिए जब तक ये यहाँ पे सारा काम कंप्लीट ना कर दे। तो अभी आप यहाँ पे ब्लैक विंडो में देख भी सकते हैं, ये कह रहा है लॉन्च जॉब आर्किल, इफ दिस जॉब टेक मोर देन 20 मिनट किल solitaire.exe विद टास्क मैनेजर। अगर इन केस मान लीजिए कि आपका ये स्टक हो जाता है, तो आप टास्क मैनेजर ओपन करके solitaire.exe फाइल को क्लोज करिएगा। अब ये कह रहा है विंडोज फीचर एन ऐप ऑन योर पीसी नीड द फॉलोइंग विंडोज फीचर, तो आप यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिस फीचर पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो भी आपको यहाँ पे रिकमेंड करेगा और आपको यहाँ पे डाउनलोड कराएगा।
और जैसे यहाँ पे गाइस ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे अब आपसे ये रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पे रिस्टार्ट करा लीजिएगा ताकि जो भी यहाँ पे पेंडिंग यहाँ पे फाइल्स होंगी वो यहाँ पे कंप्लीट तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो रिस्टार्ट होने के बाद दोबारा से आप उसी फाइल को यहाँ पे ओपन करिए जहाँ पे भी आपने डाउनलोड कराई थी, लाइक मैंने यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में कराया था। तो यहाँ पे रिसोर्सेज में दोबारा से जाएंगे, स्टेज जीरो प्रेप है, इसको दोबारा से यहाँ पे बैच फाइल को हम रन कराएंगे। और देखिए अब हमारी जो रिक्वायर्ड फाइल थी वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो अब यहाँ पे ये देखिए सारा काम करना स्टार्ट कर देगा, रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करेगा, फिर कहेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस। तो ये आपका टर्मिनेट मैलवेयर प्रोसेस है सो दैट यू कैन रन योर नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोग्राम। तो यहाँ पे अब आपको येस पे क्लिक करना है। तो ये जितने भी मैलवेयर होगा उनको यहाँ पे स्टॉप करेगा आपके डिवाइस से, ताकि वो आपके कंप्यूटर को यहाँ पे आगे से एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको रन होने दीजिए और इसी तरह से इस बैच फाइल में जितने भी यहाँ पे टूल हैं वो सब कुछ यहाँ पे रन करेंगे। तो वन बाय वन आपको यहाँ पे वेट करना है। बस यहाँ पे अगर आपको कुछ चीज़ यहाँ पे चाहिए तो वो है गाइस यहाँ पे पेशेंस, क्योंकि टाइम यहाँ पे थोड़ा सा लगने वाला है हर एक टूल को रन कराने में। ठीक है, तो बस पेशेंस आपको चाहिए। अगर आप अभी नहीं कर सकते हैं तो आप शाम को कराइएगा, रात में इसको रन कराइएगा, जब भी आप यहाँ पे फ्री होते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे लॉन्च जॉब आर्किल, तो आर्किल भी यहाँ पे लॉन्च हो गया है, डन हो गया है। और जनरेटिंग प्री रन सिस्टम प्रोफाइल, इसी तरीके से आपको हर एक फोल्डर पे जाना है। लाइक सेकंड है हमारा स्टेज वन टेम्प क्लीन, तो यहाँ पे जितना भी देखो यहाँ पे क्लीनर है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, इन सारे क्लीनर को यहाँ पे ये रन करेगा। तो अगर हम यहाँ पे इस फाइल को भी रन कराएं, रन एज एडमिन कराते हैं, येस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए लॉन्च जॉब क्लीनर डन, लॉन्च जॉब क्लीनर एक्सप्लोरर डन, लॉन्च जॉब टेम्प फाइल क्लीनर डन, लॉन्च जॉब सी क्लीनर, ये यहाँ पे अभी ये लॉन्च हो रहा है। ठीक है, तो बस इसी तरह से वन बाय वन आपको सारे फोल्डर पे जाना है, कोई भी आपको इसमें से मिस नहीं करना है। स्पेशली जो यहाँ पे स्टेज थ्री डिसइनफेक्ट वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे वायरस रिमूवल टूल है और इनको यहाँ पे रन कराना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप वन बाय वन इस सारे फोल्डर को नहीं करना चाहते तो बैक जाइएगा, जो ट्रॉन वाला यहाँ पे आपको बैच फाइल मिला था बस इसको यहाँ पे आप रन करा दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो इतना काम आपको यहाँ पे करना है, मैं आपको एक एक करके नहीं दिखा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत ही यहाँ पे लंबी हो जाएगी। तो बस आपको इस टूल को रन कराइए, पेशेंस रखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। और इसके बाद जब फाइनली आपका सारा कंप्लीट हो जाता है काम, अपने सिस्टम को दोबारा से आप रिस्टार्ट करिएगा और अब आपका डिवाइस यहाँ पे नीट एंड क्लीन और बिल्कुल यहाँ पे सेफ एंड प्रोटेक्टेड होगा। सो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।